दियों की रोशनी में सारा अंधेरा दूर हो जाए, दियों की रोशनी में सारा अंधेरा दूर हो जाए। और दुआ है मेरी कि आपकी जिंदगी में खुशियां भरपूर हो जाए, खुशियां भरपूर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग YouTube वीडियो में। इस दिवाली धमाका करेंगे पढ़ाई का और घंटों का काम मिनटों में करने के लिए आज का ये वीडियो, जहां हम डिस्कस करेंगे HSC बोर्ड एग्जाम के मोस्ट IMP क्वेश्चंस फॉर OCM। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एक ऐसा थियरी सब्जेक्ट जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को कई बार डराता है, धमकाता है, धोखा देता है। लगता तो है साला सब आता है, सब आता है, सब आता है, लेकिन एंड टाइम पे बाजी पलटी हो जाती है दोस्तों। इसीलिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना करके इस सब्जेक्ट को डील करना होगा, इस सब्जेक्ट के साथ डील करना होगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या है वेटेज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का, साथ ही साथ हम देखेंगे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस साल आपके HSC कॉमर्स के एग्जाम में OCM के अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो जरूर 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइए, चैप्टर वाइज हमने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं इस पूरे सिलेबस के, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे शॉर्ट कोड्स और निमोनिक्स के साथ, तो इजीली आप लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर मोस्ट IMP क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक के आपको नोट्स PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। तो जरूर स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें इस साल पढ़ना कितना है और कहां कहां से क्या क्या वेटेज आने वाला है। तो ये है दोस्तों बोर्ड का दिया हुआ यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। आपकी 80 मार्क्स की एग्जाम जो होती है उसमें आपको कुल मिलाकर के 8 चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना है और इन 8 चैप्टर्स का वेटेज ये है आपके सामने। आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले चैप्टर के 7 मार्क्स हैं, इसके अलावा दूसरा चैप्टर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, तीसरा चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क के लिए, बिजनेस सर्विसेज सबसे जड़ी बूटी चैप्टर है, बहुत ही बड़ा एटम बम है OC का दोस्तों, यहां पर याद रखिए बिजनेस सर्विसेज 20 मार्क के लिए आता है। इसके अलावा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस 7 मार्क्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 7 मार्क्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 मार्क्स और आखिर में एक रॉकेट मार्केटिंग नाम का ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए। तो कुल मिलाकर के 8 चैप्टर, 80 मार्क का पेपर आपका बोर्ड एग्जाम का और ये है उसका वेटेज। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा एकदम ऐसे ध्यान से इसे देखेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि यार मैं 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 ये 4 अगर अच्छे से कर लेता हूं ना तो मेरा बेड़ा पार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये 4 चैप्टर्स पहले प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये 4 चैप्टर्स से आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पेपर easily attempt कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 7 मार्क का वेटेज है, इसमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हेनरी फ्योल के, बहुत IMP है और इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन 2-3 जो है वो आप अगर पढ़ लेंगे तो आप 7 मार्क्स पूरे हासिल कर पाएंगे। साथ ही साथ दूसरा चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आता है, 12 मार्क्स का इसका वेटेज है। चौथा चैप्टर जैसा मैंने शुरुआत में कह दिया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन में बिजनेस सर्विस तो आपको नजर ही आएगा। ये वो चैप्टर है जो पूरे पेपर पे राज करता है, ये वो चैप्टर है जिसके बिना पेपर सेट ही नहीं हो सकता। सब क्वेश्चंस में डिस्टिंग्विश हो या केस स्टडी हो या लॉन्ग आंसर्स हो, सभी में आपको बिजनेस सर्विस का क्वेश्चन दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों जो आखिरी चैप्टर है मार्केटिंग का, ये भी 15 मार्क्स ही ले। तो ये 4 चैप्टर्स 1 2 4 8 इस पे पहले ज्यादा फोकस कीजिए, उसके बाद बाकी चीजें कीजिएगा। चलिए IMP क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके चैप्टर वाइज। सबसे पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यहां आपको 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे कॉमन क्वेश्चन। इसके अलावा एक्सप्लेन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल इन डिटेल शॉर्ट कोड के साथ, सबसे आसान तरीका याद करने का और लिख के प्रैक्टिस करने का। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आई बटन पे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जरूर वो वीडियो देखिएगा।
14 principles of management easily आप दिमाग में फिट कर पाएंगे। इसके अलावा explain the principles of scientific management, ये भी एक question है। तो तीन question 7 mark आपकी जेब में हो जाएंगे एकदम अच्छे से। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, 10-10 पॉइंट के आंसर हैं सभी आंसर्स, लेकिन गारंटी भी है ना यार, गारंटी है कि इसमें से कोई ना कोई तो आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पर आप देखेंगे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंत में आपको एक वीडियो मिलेगा जो आपको ऑल इन वन आंसर भी मिलेगा, जहां पर दोस्तों हम एक ही आंसर पढ़ के इन सभी आंसर को कैसे आराम से क्रैक कर सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। तो जरूर देखिएगा इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को, एक बार गो थ्रू कीजिएगा, सभी वीडियो को देखेंगे ना, 10-10, 15-20 मिनट थोड़ा फॉरवर्ड करके भी देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि यार कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है और कैसे आंसर को इजीली हम याद कर सकते हैं। व्हाट इज प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इस प्रकार फंक्शन और उसके इंपॉर्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 10 पॉइंट का ये क्वेश्चन होता है। तो आप 6 पॉइंट्स आपको अक्सर पूछे जाते हैं, 5 से 6 पॉइंट्स, तो आपको वो पॉइंट्स याद कैसे करना है और क्या कॉमन पॉइंट्स है हर आंसर में, वो आप अगर देख लेंगे तो आप आसानी से इस चैप्टर को भी क्रैक कर लेंगे। बात करें थर्ड चैप्टर की, कम वेटेज है, 3 questions, एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड इट्स फंक्शंस, कई बार क्वालिटीज भी यहां पर पूछ सकता है एंटरप्रेन्योर की। तो ये 3 question है, छोटा सा चैप्टर, वेटेज भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 3 question जरूर करके जाइए क्योंकि एक तो इसमें से जरूर आएगा। इसके अलावा ये है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज। दोस्तों 20 से 24 marks, ये ऑप्शन के साथ 24 mark, विदाउट ऑप्शन 20 mark, ये चैप्टर जड़ी बूटी है और 9 questions तो मैंने दिए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तो यार ये चैप्टर पूरा पढ़ लेना, आप कुछ भी सोचना मत ज्यादा, ये चैप्टर पूरा ही पढ़ना है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। टाइप्स ऑफ वेयरहाउस बहुत इंपॉर्टेंट, डिफाइन बैंक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, इंश्योरेंस, सभी टाइप के इंश्योरेंस पढ़ लेना भाई, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसके प्रिंसिपल्स, उसकी पॉलिसीज, यहां पर डिस्टिंग्विश एक पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस का डिस्टिंग्विश पढ़ लो, आपको आंसर्स लिखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस, टाइप्स ऑफ ई बिजनेस और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, ये 9 questions है दोस्तों, एकदम जड़ी बूटी, ये 9 questions तो जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। हालांकि कुछ हिस्सा रिड्यूस्ड है, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो बस हो जाएगा, इससे ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 20 मार्क के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, इसमें से कुछ छोड़ना मत। बात करें चैप्टर नंबर 5 की, ये है इमर्जिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों यहां पर 2 questions तो आने की गुंजाइश होती है हर बार, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, इसके अलावा बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, आखिर में एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ये 5 questions मैंने दिए हैं, जरूर हमारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे और ये आपको डेफिनेटली मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सभी के लिंक्स डाल दूंगा, लेकिन ये आईएमपी क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करके ले लीजिए। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 की बात करें, अच्छा चैप्टर है, समझदारी वाला चैप्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, सीएसआर एक्टिविटीज, टुवर्ड्स सोसाइटी, मतलब सामाजिक जिम्मेदारियां एक बिजनेस हाउस की, टुवर्ड्स कस्टमर, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कंज्यूमर्स वगैरह, ये आपको यहां पर समझाया जाता है। और दोस्तों छोटा चैप्टर जरूर है, लेकिन एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, आता ही है, कंज्यूमर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी बिजनेस हाउसेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूछा गया है। बात करें 7th chapter की, यहां जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला चैप्टर, यहां पे 4 rights ऑफ कंज्यूमर, रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके अलावा दोस्तों ये जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, इसका डिस्टिंग्विश जरूर पढ़ लीजिएगा तो आपको ये 3 answers पढ़ने में आसानी होगी। स्टेट द कंपोजिशन एंड मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, इसके अलावा कंपोजिशन एंड मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन, और आखिर में कंपोजिशन एंड मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन। तो ये 3 questions है, इसका डिस्टिंग्विश अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। दोस्तों नोट्स हमने पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल में डाल दिए, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, उस पे जाइए, फाइल्स पे क्लिक कीजिए, फाइल्स का टैब होता है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, केस स्टडी के, डिस्टिंग्विश बिटवीन आईएमपी, डिस्टिंग्विश कौन से हैं, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन क्या है, सारे पीडीएफ्स पहले से डाल के रखे, मस्त आप कलेक्शन करके दिवाली में धमाका कर सकते हो और रिजल्ट्स में तो एकदम रॉकेट की तरह छा सकते हो। बढ़ते हैं आखिरी चैप्टर की ओर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर,
तीन क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन लंबे चौड़े हैं, बड़े हैं। आप अगर ये तीन क्वेश्चन अच्छे से करेंगे 15 मार्क्स हासिल करेंगे। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग और यहाँ पे 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स है। इसमें कई बार बोर्ड एग्जाम में 3 P पूछ सकता है, कभी 4 P पूछ सकता है, कभी सारे के सारे P पूछ सकता है। तो एक्सप्लेन 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसके अलावा एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर्स। तो इस प्रकार के तीन क्वेश्चन मैंने दिए हैं, IMP क्वेश्चन, इसे जरूर एक बार नोट डाउन कीजिए। चैप्टर की प्लेलिस्ट में फिर से दोहरा दूं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज OCM के सभी चैप्टर्स की मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। IMP क्वेश्चन है, शॉर्ट कोड्स के साथ आंसर दिए हुए हैं। नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको स्काई एजुकेशन ऐप में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सभी जो चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन, ये आपने नोट डाउन किए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर यहां तक देखा है वीडियो तो लाइक तो जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर आते रहेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।